तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए बड़े अपडेट और वो है टैफ को लेकर। तो टैफ किस प्रकार से भरना है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से देखेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शाला दर्पण पर टैफ किस प्रकार से भरना है, तो आपको स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाना है अपनी आईडी से, जो पर्सनल लॉगिन आईडी होती है जिससे हम सीएल वगैरह लेते हैं। यहाँ आपको जैसे ही लॉगिन हो जाओगे ये ऑप्शन मिलेंगे, इस ऑप्शन के नीचे आपको जाना टैफ के अंदर फॉर्म्स के अंदर, सबसे पहले सॉरी फॉर्म्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टैफ मिलेगा, ये रहा टैफ। टैफ के ऊपर आप क्लिक करोगे, आगे बढ़ेंगे तो ये टैफ के अंदर आपको दिखेगा टीचर फॉर्म सेशन 2020-21 अभी लिखा आ रहा है, तो सेशन तो 21-22 चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने पर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर फॉर्म के अंदर टैफ टैप के अंदर ये टीचर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जो है टैफ ओपन होगा, टैफ ओपन होने में सबसे पहले आपके जो है आपका डाटा दिखाई देगा और कैप्चर करके आपको सत्यापित करना है। तो ये सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो अभी 6 मई का हमें भरना है। 1 जनवरी 2021 से जून 2021 तक का डाटा हमें यहाँ पर फिल करना है टैफ के अंदर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। तो ये आपके लिखा हुआ आ रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, आप भर सकते हैं अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी से। 1 जनवरी 2021 से जून 2021 तक का यहाँ डाटा होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी चेक कर लेनी है, आपके यूनिक आईडी, शिक्षक का नाम, पद, कार्मिक एनआईसी आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप अगर संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे तो हाँ, नहीं तो नहीं करके सत्यापित कर देनी है। ये सूचनाएँ आप अच्छे से चेक कर लें। सत्यापित करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे और आपके सामने वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप पेज ओपन हो रहे हैं, तो हमें ये करना है। तो सबसे पहले करना है यहाँ पर भाग फर्स्ट फिलअप करना है, तो भाग फर्स्ट फिलअप करेंगे यहाँ पर हम। भाग जो फर्स्ट है यहाँ पर फिलअप करने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट एक भरना है, पढ़ाई जाने वाली कक्षा विषय यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ विद्यालय लॉगिन से आपको पहले सत्र 2021-22 की मैपिंग की करनी है। आप जो विषय पढ़ा रहे हैं विद्यालय के अंदर वो मैपिंग करेंगे और यहाँ पर आपके विषय से होंगे, तो विद्यालय लॉगिन से आपको पहले मैपिंग कर लेना है। जो भी टीचर्स है आपके पास आप उन सभी टीचर्स की मैपिंग कीजिए और यहाँ पर हर टीचर की जो है विषय है यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैपिंग करने के पश्चात शो हो जाएंगे, उसके पश्चात विद्यालय की शैक्षिक जो भौतिक उपस्थिति रही है, औसत उपस्थिति 6 महीना, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं तो उनके भी डिटेल यहाँ पर डालनी है। शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या लिख देनी है। अन्य कार्य दिवस गैर शैक्षणिक कार्य के लिए दिनों की संख्या लिखनी है प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो। साथ ही नंबर 3 अगला पॉइंट है जिसमें विद्यालय के मापदंड के अनुसार आपको जो है अच्छा, बहुत अच्छा, कम, औसत के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। ये सूचकांक दिए गए इसके अनुसार आपको रेटिंग देनी है। विद्यालय से रिलेटेड इसमें टॉपिक है, पॉइंट वाइज पॉइंट हमें जो है इसकी रेटिंग देनी है। 1 से 5 रेटिंग दे दीजिए, जो भी आपकी अनुसार लगती है। आपको विद्यालय में अनुशासन कैसा है, शिक्षण योजना बनाई, समीक्षा की, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अध्ययन सामग्री कैसे, इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट ये पहला भाग हो जाएगा। तो ये जब आप विद्यालय के पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे उसके पश्चात नीचे अगला पॉइंट ये रहेगा कि सूचकांक के आधार पर संस्था प्रधान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई रेटिंग आएगी और यहाँ पर संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी करेंगे, इसको सेव और नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के पश्चात ये भाग 2 आ जाएगा टैफ का मूल्यांकन प्रपत्र। भाग 2 के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर करने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता क्रम में देना है। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उससे छोटी को 2 और उससे पुनः छोटी जो है उसको 3 क्रम में देना है, घटते क्रम में। तो बच्चों की अनियमितता है, अभिभावकों का असहयोग, जो भी कठिनाइयाँ महसूस हो रही है आपको 1, 2, 3 जो है घटते क्रम में ऐसी चुनौतियों को सेलेक्ट करना है। विद्यालय में कार्य की अधिकता है, यानी कोई भी है जो आप चूज कर लेंगे टिक करनी है। इसके साथ ही संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के अनुसार यहाँ टिक होगा। अगला कॉलम आ जाएगा आपके शिक्षक द्वारा जो प्रशिक्षण आवश्यकता की महसूस की जा रही है उन 3 प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार बॉक्स में घटते क्रम वरीयता देनी है। सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम वाले को 2 और उससे कम वाले को 3, यानी 1, 2, 3 वरीयता देनी है। जो भी आपको महसूस हो रहा है आपके अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण मिलना चाहिए आपको, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, टिक कर देना है। लास्ट में अगला कॉलम आएगा शिक्षकों द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान, कोई पुरस्कार प्राप्त हो उसके संबंध में जानकारी देनी है। सहशैक्षिक गतिविधियाँ हैं या कोई पुरस्कार, लेखन, क्रियात्मक अनुसंधान, जो भी है टिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के पश्चात कॉलम 3
भाग थ्री टैफ का शुरू हो जाएगा। भाग थ्री में आपको जनवरी 2021 से लेकर 30 जून तक की अवधि में जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में आपने भूमिका के रूप में भाग लिया है, जो भी भाग एज ए शिक्षक के रूप में या किसी प्रशिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, व्याख्याता के रूप में, जो भी है और जो भी ऑर्गेनाइज़र था, चाहे समग्र शिक्षा हो, RSCIT हो, गैर सरकारी संगठन है, वो आपको टिक करना है। तो 1 जनवरी से 30 जून तक के प्रशिक्षण में आपने भाग लिया वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए अपने जो भी प्रशिक्षण कार्यशाला में आपने भाग लिया है। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ आप यस या नो कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो विवरण दे सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा पाठ्य पुस्तक व विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको रेटिंग देनी है, जिसमें 1 से 5 तक औसत है, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट रेटिंग देनी है। जैसे पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम कैसा है, प्रशिक्षण कैसा है, MDM की राशन वितरण ऐसा कैसी है, CBO कार्यप्रणाली कैसी है, इन सब के ऊपर आपको टिक मार्क करना है और सेव कर देना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टैफ, ये लास्ट ऑप्शन था। इस प्रकार से आपका टैफ जो है एक प्रकार से कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस था टैफ को फिलअप करने का। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने शाला दर्पण पर मैपिंग जरूर कर लें विषय की, विद्यालय लॉगिन से जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, ताकि वो विषय यहाँ पर शो हो जाएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।